आज मैं आपको बताऊंगा ब्लड प्रेशर के बारे में। आज भारत में ब्लड प्रेशर की समस्या बढ़ती जा रही है, और अगर भारत की बात करें तो लगभग 10 करोड़ लोग भारत में ब्लड प्रेशर की गोली रोज खा रहे हैं, और लगभग 13 करोड़ के लगभग प्री हाइपरटेंशन के शिकार हैं, यानी कि जो ब्लड प्रेशर की पहली स्टेज है। तो लगभग 23 करोड़ लोग इस टाइम भारत में इसकी चपेट में हैं। तो अगर हम हिसाब लगाएं तो लगभग भारत की आबादी का लगभग 17% हिस्सा ब्लड प्रेशर की चपेट में है। तो ब्लड प्रेशर क्या होता है, क्यों होता है, और कैसे आयुर्वेद की मदद से, नेचुरोपैथी की मदद से आप इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, उस बारे में हम जानेंगे। देखिए, ब्लड प्रेशर एक्चुअल में क्या है कि हमारी जो आर्टरीज हैं उसमें वेन्स हैं, उसमें पड़ने वाले दबाव का नाम है। उसकी दीवारों पर जो अधिकतम और न्यूनतम दबाव पड़ता है उसको हम ब्लड का प्रेशर बोलते हैं। और ये हार्ट का ही प्रेशर है, हार्ट ही ब्लड को पंप करता है। लेकिन हार्ट से जब ब्लड निकलता है तो निकल कर जो दीवारों के बाहरी हिस्से पर जो दबाव पड़ता है वो उसको हम ब्लड प्रेशर बोलते हैं। अभी की भाषा में आज के टाइम पे लगभग 120/80 mmHg यानी कि 120/80 ब्लड प्रेशर होना ज़रूरी है इस टाइम, आज के टाइम में। अगर हम बात करें 1997 की, तो 1997 से पहले 160/100 नॉर्मल ब्लड प्रेशर माना जाता था 1997 से पहले, और 2008 से पहले 140/90 नॉर्मल ब्लड प्रेशर माना जाता था, और अभी 120/80 ब्लड प्रेशर नॉर्मल माना जाता है। लेकिन अगर रिसर्चेस की बात करें कि ब्लड प्रेशर का हाई होना उतना नुकसानदायक नहीं है जितना कि उसको गोली खाकर अगर डाउन किया जाए उससे वो ज़्यादा नुकसानदायक साबित होता है। तो ब्लड प्रेशर बढ़ता क्यों है, जो आपने सवाल पूछा, नमक का अत्यधिक सेवन, मार्केट की चीज़ों का अत्यधिक सेवन। जैसे एक बात करूं तो मैं, भारत में लगभग एक व्यक्ति को लगभग 2 ग्राम से ऊपर नमक नहीं खाना चाहिए एज़ पर WHO, एज़ पर हमारा जो हेल्थ प्रोटोकॉल है कि 2 ग्राम नमक ही ज़रूरी है। लेकिन हम लोगों ने एक हिसाब लगाया कि अगर 4 लोगों का परिवार है और चारों लोग अगर टोटल घर में देखें तो एक पैकेट नमक एक महीने में ख़त्म हो जाता है। तो हिसाब लगा के देखा गया, एवरेजली एक व्यक्ति जो घर के हिस्से में 8 ग्राम नमक रोज का आ रहा है, ये तो कच्चे नमक की बात कर रहा हूँ मैं, इसके अलावा ब्रेड में नमक है, बिस्किट में नमक है, भुजिया में नमक है, और कई चीज़ों में नमक है। तो नमक भारत में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, तो नमक एक बहुत बड़ा कारण है। इसके अलावा जो रिफाइंड ऑयल्स हैं वो भी हमारी आर्टरीज़ को, वेन्स को संकरा कर रहे हैं, हमारी नलियों को, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़कर दिखाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बात करें, एक हमने कूलर में पानी भरने के लिए पाइप लगा दिया और कूलर में पाइप में पानी जा रहा है, और मैंने पाइप को हल्का सा दबा दिया, तो अब आप बताइए ब्लड प्रेशर बढ़ेगा या घटेगा? तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। तो ऐसे ही जब आर्टरी संकरी हो रही है, नली हमारी संकरी हो रही है, तो हमारा ब्लड प्रेशर बढ़कर आ रहा है। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिसको सुधारना पूरे भारत के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा दूध वाली चाय, भारत में जो हम लोग चाय पी रहे हैं ये भी ब्लड प्रेशर का बहुत बड़ा कारण है। ये चाय अंग्रेज लाए थे भारत में अपने पीने के लिए, क्योंकि ठंडे प्रदेश से आए थे, लेकिन उन्होंने हमारे भारतीयों को भी शराब की तरह, सिगरेट बीड़ी की तरह इसका आदि बना दिया। तो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम भारत में बढ़ती जा रही है। खाने पीने को ठीक करके, लाइफस्टाइल को ठीक करके, कुछ जड़ी बूटियों की मदद से इसको कंट्रोल किया जा सकता है।